वेलकम टू एमके अथॉरिटी। आज न्यूज की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है। और जो पहली न्यूज निकल के आ रही है वो है लेनोवो के 8 प्लस की तरफ से। ये फोन आपको मिलता है 5.2 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, इसके अंदर आपको मिलता है 2.5D गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ। इसके अंदर आपको मिलता है 3 GB के रैम, 32 GB के स्टोरेज के साथ। इसके अंदर आपको मिलता है डॉल्बी एटमॉस, साउंड भी मिलता है आपको बस। और इसके अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P25 का प्रोसेसर, और आपको पीछे की तरफ मिलता है 12 कैमरा 13 MP का और 5 MP का, और आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 8 MP का। तो देखते हैं फोन कैसा है, क्या ये फोन रेडमी नोट 4 को बीट कर पाएगा या नहीं। और जो अगली निकल के आती है वो है भैया एसिस की तरफ से। एसिस शायद लॉन्च करने जा रहा है अपना एजन फोन सीरीज इंडिया में। ताइवान में तो लॉन्च हो चुका है, और एसिस की नजर है इंडिया पर। तो देखते हैं कि कब लॉन्च होगा। और कुछ रूमर्स ये कहती हैं कि ये लॉन्च हो सकता है सितंबर 14 को। और जेनफोन 4 मैक्स के बारे में भी कुछ लीक्स निकल के आए। इसके अंदर आपको मिल सकता है 12 कैमरा 13 MP का, और फ्रंट में आपको मिल सकता है 8 MP का, और ये 5.5 इंच का हो सकता है, 3 GB रैम 32 GB के इंटरनल। और आप मुझे बताइए कि आपकी क्या ओपिनियंस है इस जेनफोन 4 सीरीज के बारे में। और जगली निकल के आती है वो है नोबिया की तरफ से। नोबिया शायद लॉन्च करने जा रहा है अपना एक स्मार्टफोन जिसका नाम है M2 Play। इसके अंदर आपको मिल सकता है 5.5 इंच का HD डिस्प्ले, 3 GB के रैम, स्नैपड्रैगन 435 के और 2.5D गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ। इसके अंदर आपको मिल सकता है GB Adreno 505 का बस। एंड्रॉइड 7.1.1 डुअल सिम हाइब्रिड स्लॉट है, और 13 MP का सोनी का CMOS का सेंसर है F2.2 अपर्चर के साथ, और 5 MP का F2.4 है फ्रंट कैमरा बस। कौन खरीदता है भाई नोबिया। और जगली निकल के आती है वो है भैया गूगल पिक्सल के बारे में। गूगल पिक्सल और पिक्सल 2 और गूगल पिक्सल एक्सल 2 शायद ये लॉन्च हो सकता है अक्टूबर 5, और इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा स्नैपड्रैगन 836। ये स्नैपड्रैगन ने कंफर्म कर दिया है कि 836 नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, शायद हो सकता है 845, क्योंकि स्नैपड्रैगन क्वालकॉम ने कंफर्म कर चुका है कि नेक्स्ट सीरीज 835 के बाद हो सकता है स्नैपड्रैगन 845। तो देखते हैं कि इसके अंदर मिलेगा या नहीं। और जो अगली निकल के आती है वो है भैया BSNL की तरफ से। BSNL शायद लॉन्च करेगा अपना 5G इंडिया में, और शुरू कर सकता है अपना सर्विस के ट्रायल्स मार्च 2018 में। तो देखते हैं कि कौन शुरू करेगा पहले 5G रेस में। पहले ही आ चुका है जियो 5G, तो देखते हैं कि कौन लॉन्च करेगा 5G पहले, जियो या BSNL या और तीसरा ऑपरेटर। और जो अगली निकल के आती है वो है भैया नया स्मार्टफोन, नई कंपनी जो कुछ दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुई है, 10 और ने लॉन्च कर दिया है अपना एक स्मार्टफोन 10 और E। फोन एक्सक्लूसिवली आपको मिल सकता है अमेजोन पर। इसके अलावा आपको दो अलग अलग वेरिएंट मिल सकते हैं, 2+32 यानी कि सॉरी 2+16, 2 GB रैम 16 GB स्टोरेज के साथ, और 3 GB रैम 32 GB। इसके अंदर आपको मिल सकता है फुल HD का 5.5 इंच डिस्प्ले और 4000 mAh की बैटरी। क्या आप लोग हैं, पता नहीं आप क्यों लोग। और जगली निकल के आती है भैया ऑनर की तरफ से। ऑनर शायद लॉन्च करेगा अपना V9 प्ले, 3 GB रैम या 4 GB रैम या दोनों, और आपको मिल सकता है एंड्रॉइड 7 और इसके अंदर आपको मिल सकता है केरिन की 659 का चिप। ये तो लॉन्च हो चुका है चाइना में, तो देखते हैं इंडिया में कब लॉन्च होगा। और जो अगली निकल के आती है वो है भैया हुआवे की तरफ से। हुआवे बीट कर दिया है आईफोन को, क्या यकीन करोगे। जी हाँ, ये सही न्यूज है, हुआवे बीट कर चुका है अपने सेल्स में। दुनिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सैमसंग की सेल्स ज्यादा हुई है, और जून जुलाई के महीने में हुआवे के फोन ज्यादा सेल हुए। तो हुआवे हो चुका है सेकंड और एप्पल हो चुका है थर्ड। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भैया एप्पल कुछ नया करना पड़ेगा, और एज यूजुअल सैमसंग फर्स्ट।
और जो अगली निकल के आती है वो है पैनासोनिक की तरफ से। पैनासोनिक ने लॉन्च कर दिया अपना एक स्मार्टफोन जिसका नाम है P9। इसका नाम आपको मिल सकता है एंड्रॉयड 7 4G फोन है। 1 GB RAM 16 GB इंटरनल 8 MP कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा सॉरी बैक कैमरा है और 5 MP का फ्रंट कैमरा है। इसका नाम आपको मिल सकता है 2210 mAh की बैटरी। क्या आपने कभी डस्टबिन देखा है? उसी डस्ट अगर आप देखा है तो इस फोन को आप वहीं पर डाल दें, ठीक है। और जो अगली निकल के आती है भैया वो है अपना फेवरेट ट्रू कॉलर के बारे में। ट्रू कॉलर में दो न्यू फीचर्स आएंगे नए अपडेट के बाद। इसके अंदर आपको पहला फीचर मिल सकता है वो है अगर आप कहीं भी कोई नंबर देखते हैं तो आप उसे स्कैन कर देखते देख सकते हैं कि ये नंबर किसका है। और जो दूसरा फीचर है वो है आप फास्ट ट्रैक नंबर, यानी कि आपको टोल फ्री नंबर्स एम्बुलेंस हॉस्पिटल्स उसके आपको वहीं पर एड मिलेंगे। कुछ होटल्स के भी मिल सकते हैं, होटल्स फ्लाइट्स। अच्छा फीचर है, हमको बहुत काम में आएगा। तो बस इतनी थी आज की टेक न्यूज़। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद। He's all alone, some things will never change.